अब इसको क्या करोगे? हाँ भैया, हैं जलाओगे? हाँ हो जाएगा, पूरा खत्म हो जाएगा कितना जला के, जला के भी। आपको क्या पढ़ाते हैं स्कूल में? हैं बर्निंग करना चाहिए, पोल्यूशन होता है। ये बताते हैं आपको स्कूल में क्या बताते हैं? हमारे को ये बताते हैं कि जैसे गाड़ियों में इतना पोल्यूशन होता है ना, उससे ज्यादा इससे होता है, इसको जलाने से। ये बताते हैं ना? हाँ बेटे, वो गवर्नमेंट के ऑफिसर है फॉरेस्ट के। वो कोई ऑफिसर नहीं है, वो खुद कह रहे हैं कि मैं प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट में लगा हुआ हूँ। तो उनको कहो या तो कहीं गाड़ दे, दिखेगा नहीं कहीं पे। और कुछ साल इकट्ठा कर रहे हैं, देखो अब हमारे कहने से कुछ इकट्ठा करके, अब इकट्ठा करके जलाएंगे इसको। जलाना भी तो कोई मतलब नहीं होता ना, बेवकूफ लोग हैं यहाँ पे। चल बेटे, इतना गुस्सा नहीं करते, ये अभी धीरे धीरे सीख रहे हैं कि करना क्या है। अभी यहाँ पे रिसाइकलिंग का ये सब कंसेप्ट इनको नहीं पता लग रहा। आपने थोड़ा इनको शिक्षा दे दी है, आपने इनको, यहाँ पे नगर पालिका नहीं है, डस्टबिन भी नहीं है। ये कौन सा इलाका पड़ता है? ये कौन सा इलाका पड़ता अभी? ऊपर मुंह करके बात करो जरा, क्या नाम है? अरुण डोभाल। हाँ अरुण डोभाल, ऊपर मेरी तरफ देखो। अरुण डोभाल, अरुण डोभाल, कौन सा इलाका पड़ता है? कानाताल। तो आप यहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में काम करते हो, है ना? ठीक है। यहाँ पे जितने फॉरेस्ट में गंद पड़ रहा है ना, उसको रोकने की कोशिश करो, और इसको जला मत, इसको इकट्ठा करके भेजो जहाँ पे रिसाइकल होता है। बच्चों से, बच्चों को पढ़ाया जा रहा है कि गंद मत डालो और प्लास्टिक मत जलाओ। उनको दुख लग रहा है, उन्होंने एक घंटा लगा के इकट्ठा किया है।